गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिश बायोलॉजी में हमने अभी तक पिछले वीडियो में जनरल करैक्टर्स पढ़े थे। फिशेज के जनरल करैक्टर्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो फिश के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन पर कार्य किए, जैसे जे मूलर, उन्होंने 1844 में। इसके अलावा एगेसीज 1857 एंड बुलेंगर 1904, गुडरिक 1930, बर 1940। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिश क्लासिफिकेशन पर कार्य किया और इन्होंने फिश के क्लासिफिकेशन दिया। तो फिश के क्लासिफिकेशन में देयर आर एक्वेटिक ग्नेथोस्टोम्स हैविंग गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड फिन्स फॉर लोकोमोशन। दीज आर डिवाइडेड इंटू 7 क्लासेस, टेरिक्टिस, कुकुस्टी, एकेंथोडी, इलास्मोब्रैंकी, होलोसिफेलाई, डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमाई। ऑफ दीज द फर्स्ट 3 क्लासेज आर कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट एंड आर कलेक्टिवली नोन एज प्लैकोडम्स। अब हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट, टेरिक्टिस। टेरिक्टिस में कॉमन करेक्टर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट, हेड एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद ए बोनी कैरापेस कंसिस्टिंग ऑफ सिमेट्रिकली अरेंज लार्ज प्लेट्स। सेकेंड, एन ओपरकुलम इज प्रेजेंट सो दैट देयर इज ए सिंगल एक्सटर्नल ब्रैंकियल एपर्चर ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। थर्ड, पेक्टोरल फिन्स आर पैडल लाइक विद ए बोनी कवरिंग। फोर्थ, टेल इज हिट्रोसर्कल। फिफ्थ, 1 or 2 डोर्सल फिन्स आर प्रेजेंट। सिक्स, आईज आर प्लेस्ड क्लोज टूगेदर ऑन द डोर्सल सर्फेस एंड देयर इज ए पिनियल ओपनिंग इन बिटवीन दैम। सेवन्थ, नोस्टिल आर 2। क्लास सेकेंड, कुकुस्टाई। फर्स्ट का एग्जाम्पल है टेरिक्टिस, क्लास सेकेंड कुकुस्टाई। इसके जनरल करेक्टर हैं, इसके जनरल करेक्टर हैं फर्स्ट, हेड एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कवर्ड विद ए बोनी कैरापेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज प्लेट्स। हेड कैरापेस इज मूवेबली आर्टिकुलेटेड विद दैट ऑफ द बॉडी। सेकेंड, एक्सटर्नल गिल एपर्चर प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड बॉडी कैरापेस। थर्ड, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। फोर्थ, न्यूरल एंड हर्मल आर्चेज आर ओसीफाइड। फिफ्थ, पेक्टोरल फिन्स आर रिप्लेस्ड बाय इमूवेबल स्पाइन्स। सिक्स, ए डॉर्सल फिन इज प्रेजेंट। सेवन्थ, आईज आर लेटरली प्लेस्ड विद ए पिनियल एपर्चर इन बिटवीन देम, एग्जाम्पल कुकुस्टियस। थर्ड, एकेंथोडी। एकेंथोडी के जनरल करेक्टर हैं फर्स्ट, एंडोस्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रू बोन। सेकेंड, ए गिल स्लिट इज प्रेजेंट बिटवीन द मैंडिबुलर एंड द हायर आर्च। थर्ड, 4 or 5 ब्रैंकियल आर्चेज आर प्रेजेंट। फिफ्थ, बॉडी कवर्ड विद स्मॉल गैनोइड स्केल्स। सिक्स, कॉडल फिन इज हिट्रोसर्कल। सेवन्थ, 1 or 1 to 5 पेयर्स ऑफ स्पाइंस आर प्रेजेंट बिटवीन द पेक्टोरल एंड वेंट्रल फिन इन सेम स्पीसीज। एट्थ, एन ओपरकुलम इज प्रेजेंट। इसका उदाहरण है क्लीमेटियस। अब आते हैं क्लास फोर्थ, इलास्मोब्रैंकाई। इलास्मोब्रैंकाई के जनरल करेक्टर हैं फर्स्ट, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। सेकेंड, प्लेकोड स्केल्स ऑन द बॉडी और द स्किन इज नेक्ड। थर्ड, नो ओपरकुलम, 5 to 7 गिल एपर्चर ऑन ईच साइड। फोर्थ, स्कल इज हायोस्टेलिक और एम्फिस्टाइलिक। फिफ्थ, देयर इज नो एयर ब्लैडर। सिक्स, ए क्लोइका इज प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल हैं स्कॉलियोडोन, प्रिस्टिस, डेसिएटिस। अब हम आते हैं क्लास 5, होलोसिफेलाई। इसके जनरल करेक्टर हैं फर्स्ट, एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। सेकेंड, स्कल इज होलोस्टाइलिक, पैलेटो क्वाड्रेट फ्यूज्ड विद द क्रेनियम। थर्ड, एन ओपरकुलम इज प्रेजेंट
फोर टीथ आर इन द फॉर्म ऑफ ग्राइंडिंग प्लेट्स. फिफ्थ देयर इज नो क्लोइका. इसका एग्जाम्पल है काइमेरा. क्लास सिक्स डिप्नोई, जिसके जनरल करेक्टर हैं फर्स्ट देयर आर लंग फिशेज एयर ब्लैडर सर्विंग द एरियल रेस्पिरेशन. सेकेंड ऑपरकुलम इज प्रेजेंट एंड देयर इज ओनली वन एक्सटर्नल ब्रेंकियल एपर्चर. थर्ड बॉडी कवर्ड विद साइक्लोइड स्केल्स. फोर्थ पेयर्ड फिन्स आर लोबेट विद जॉइंट मीडियम एक्सिस. फिफ्थ स्कल इज ऑटोस्टाइलिक. सिक्स नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट. सेवन्थ इंटरनल नोस्टिल आर प्रेजेंट. एट क्लोइका इज प्रेजेंट. इसके उदाहरण है प्रोटोप्टेरस लेपिडोसायरन न्यूसिरेटोडस. क्लास सेवन टीलोस्टोमाई, इसके जनरल करेक्टर हैं स्कल इज यूजुअली हायस्टाइलिक. पैलेटोक्वार्डेट इज नॉट फ्यूज विद द क्रेनियम. सेकेंड एन ओपरकुलम इज प्रेजेंट एंड देयर इज ओनली वन एक्सटर्नल ब्रेंकियल एपर्चर. थर्ड एयर ब्लैडर यूजुअली प्रेजेंट. फोर्थ नो क्लोइका. टीलोस्टोमाई आर डिवाइडेड इंटू टू सब क्लासेस. ए क्रोसोप्टेरिजाई, सेकेंड एक्टिनोप्टेरिजाई. सब क्लास क्रोसोप्टेरिजाई के जनरल करेक्टर हैं पेयर्ड फिन्स विद ए स्केल कवर्ड लोब्स एंड सपोर्टेड बाई एन एंडोस्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ ए जॉइंटेड मीडियन एक्सिस एंड रेडियल्स ऑन ईच साइड. सेकेंड इंटरनल नोस्टिल्स आर प्रेजेंट. थर्ड स्केल्स कॉस्मोइड और गैनोइड. इसके एग्जाम्पल है लैटिमेरिया. सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजाई. रे फिन फिशेज, इनके स्पेशल करेक्टर हैं फर्स्ट पेयर्ड फिन विदाउट मस्कुलर लोब एंड रेडियल्स आर नॉट अरेंज्ड बाय सीरियली. सेकेंड नो इंटरनल नोस्टिल्स. थर्ड स्केल्स आर स्केल नॉट ऑफ कॉस्मोइड टाइप. दिस सब क्लास इंक्लूड्स ऑल द बोनी फिशेज एंड इज डिवाइडेड इंटू ए सीरीज ऑफ ऑर्डर. ए डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिनोप्टेरिजाई इज डिस्कस्ड इन ए सब्सिक्वेंट चैप्टर. द क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज अकॉर्डिंग टू बर्ग कैन बी समराइज्ड आर बिलो. क्लास फर्स्ट टेरिक्टिस, सेकेंड कुकुस्टाई, थर्ड एकेंथोडी, फोर्थ इलास्मोब्रेंकाई, फिफ्थ होलोसिपेलाई, सिक्स डिप्नोई, सेवन्थ टीलियोस्टोमाई. टीलियोस्टाई को हम दो भागों में बांट सकते हैं सब क्लास में प्रोसोप्टेरिजाई एंड एक्टिनोप्टेरिजाई. तो इस प्रकार जो है ये समेराइस फिश क्लासिफिकेशन है. इसके बाद रोमर ने 1959 में बताया. रोमर 1959 हैज कॉम्बाइंड इलास्मोब्रेंकाई एंड होलोसिपेलाई इन टू वन क्लास कॉन्डिक्टिस एंड ऑल द बोनी फिशेज आर इंक्लूडेड इन द क्लास ऑस्टिक्टिस. द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोसोप्टेरिजाई एज टीलोस्टोमाई बाई बर्ग इन कंसिडर्ड बाई सम ऑथर्स टू बी द एरर. हैंस रोमर हैज डिवाइडेड बोनी फिशेज इन टू टू सब क्लासेज सार्कोप्टेरिजाई, सेकेंड एक्टिनोप्टेरिजाई. दस अकॉर्डिंग टू दी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रोमर द सीरीज फिशेज इन डिवाइडेड इंटू फाइव क्लासेस एज शोन अबव. द एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द स्नॉट ऑफ लंग फिशेज शोज दैट देयर आर टू नोस्टिल्स कॉरेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेयर्स ऑफ फिशेज इन जनरल एंड देयर अनयूजुअल पोजिशन इज ड्यू टू सेकेंडरी माइग्रेशन डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स. Hence, the common association of Crossopterygii and Dipnoi is not considered to be correct. तो इस प्रकार जो है हम फिश का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. आगे हम फिश के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे एग्नेथा. तो ये हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक्स.